आज वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार 4 साल 4 महीने से था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। सरकार का ये फैसला कानूनी था या नहीं, इस पर फैसला आ गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यहाँ भारत का संविधान ही चलेगा, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय के साथ ही उसकी अपनी संप्रभुता खत्म हो गई थी। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। राज्य में युद्ध की स्थिति की वजह से ये एक अस्थायी उद्देश्य के लिए पेश किया गया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कोल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ये फैसला सुनाया। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। ये पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। इसके साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। BJP सरकार ने दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां पहुंची। 5 जजों की बेंच ने 16 दिन तक इन सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज इस पर अपना फैसला सुना दिया कि 370 हटाना केंद्र सरकार का फैसला सही था। वहीं इस दौरान जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस ने पैनी नजर बनाकर रखी है। घाटी के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहा। साथ ही पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया का दुरुपयोग को लेकर सतर्क रहने की भी अपील की। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही।